हेलो व्यूअर्स, आज की स्वादिष्ट रेसिपी के लिए एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए और राई डाला है और मैंने हींग डाला है। हींग डालने के बाद जैसे ही तड़का शुरू होता है तो उसमें करी पत्ता डालेंगे। दोस्तों, करी पत्ता के फ़ायदे के मैंने यहाँ स्लाइड रखी है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मैं थोड़ा सा संक्षेप में मतलब शॉर्ट में बोलना चाहूँगी कि करी पत्ता जो है दस्त के लिए अच्छा है, अपना कैंसर को प्रिवेंट करता है, बालों के लिए बहुत बढ़िया है, लिवर के लिए बहुत ही अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कट करता है, डायबिटीज़ के लिए बढ़िया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी है उसके लिए अच्छा है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। और हाँ दोस्तों, आँखों के लिए भी कहता है कि करी पत्ता हमें खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ करी लीव्स। आई हैव पुट अ स्लाइड इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्लीज़ गो थ्रू द स्लाइड एंड इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्लस आई हैव ऑल्सो एन्यूमरेटेड द एडवांटेजेस ऑफ करी लीव्स इन योर डाइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है छाछ। दही में अगर पानी मिला के उसको अच्छे से घोल दे या उसको बीट करे तो उसको छाछ बोलते हैं। छाछ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, यहाँ मैंने पे स्लाइड रखा है। इट रिड्यूसेस एसिडिटी, इट फाइट्स कॉन्स्टिपेशन, हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, स्पेशली यू मस्ट यूज इट इन समर्स, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोवाइड्स एसेंशियल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इज़ अ रिच फॉर्म ऑफ कैल्शियम। It reduces blood pressure, cholesterol, helps prevent diseases and it helps a lot in weight reduction. दोस्तों, अपना नेक्स्ट मैजिक इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। इट हैज़ गॉट वेरी गुड क्वालिटीज़ लाइक इट इज़ रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड इट हैज़ गॉट आयरन, मैग्नीज, फॉस्फोरस and you know it is a very good antioxidant. It has fewer calories than the regular flours, it is more filling and it makes you feel full very easily, so it is good for weight loss rather than having maida or wheat flour. It regulates the blood sugar levels better than the other flours. It is fiber packed, higher in protein and easy to make at home. Just add besan and the chaas. बेसन और छाछ को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, उसमें कुछ भी लम्स नहीं होने चाहिए और उसमें मसाले डालिए जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा और हींग, मिक्स salt, turmeric powder, red chili powder, dhania jeera powder and asafoetida, and keep this separately. हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, तो चलो अभी रेसिपी की लाइक यू नो फुल शुरुआत करते हैं। हमने पहले ही तड़का डाल दिया था जैसे कि तेल में राई, जीरा और फिर हमने वो करी पत्ता डाल के ये जो बेसन और छाछ का घोल बनाया उसमें बिल्कुल लंप नहीं होने चाहिए और उसको बहुत ही मतलब एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी होना चाहिए और एक करी टाइप का कंसिस्टेंसी आना चाहिए, मतलब कि ये ग्रेवी वाला होना चाहिए। तो ये आप तड़के में डाल दीजिए और अगर आप जैन नहीं हैं तो इसमें जिंजर पेस्ट ज़रूर डालिए और लास्ट में सर्विंग के पहले कोरिएंडर यानी कि धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। अब इसमें उबल आने के बाद इसमें मसाले हमने डाल दिए जैसे कि हम डालेंगे सॉल्ट, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, जीरा, ओके, और जिंजर पेस्ट हम डाल सकते हैं और गरम मसाला। गरम मसाला तो हमने ऑलरेडी ऑप्शनल है अगर हम डालना चाहें तो, वरना ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी शक्कर हम ज़रूर डालते हैं क्योंकि दही खट्टा होता है। और फिर इसमें उबल आने देते हैं, एक केवल 2-3 मिनट लगेगा कि ये ग्रेवी उबलने लगेगी। फिर जो हमने राइस और मेथी के लड्डू बनाए वो इसमें ऐड कर देने। फ्रेंड्स, वी हैड ऑलरेडी टेम्पर्ड, गिवन द टेम्परिंग, इन द टेम्परिंग वी विल ऐड द ग्राम फ्लावर एंड द छाछ मिक्स विच इज़ विदाउट एनी लम्प्स and we will make it gravy consistency and we will let it boil for 2 minutes after adding all the masalas, which means we will add salt, ginger paste if you are not a Jain, chili, dhania and jeera powder, hing, okay, and we will let it boil. After about 2-3 minutes, once it is boiled, we shall stir it and the dumplings that we had prepared, you know, the round dumplings, we will add those into this gravy while it is boiling and then put a lid, make it medium flame or slow flame and let it cook for 7 to 8 minutes. And once you can just check it if it's done and it's cooked well. It should not break but it should cook well. You can add some baking soda if you like, it is your choice. and then just before serving add some coriander leaves and have it as a snack, as brunch or lunch, or even you can have it as light dinner. I have given you the qualities, you know, the qualities of the ingredients that we are adding here, and they are just fantastic. So trust me, this meal is a power meal, giving you a lot of energy, strength, fiber and lot of benefits. तो आप ये रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे बनाइए। मेरा रसिया मुठिया का रेसिपी मैंने पहले डाला हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम लोग ने मेथी ऐड किया है, तो इसलिए इसमें मेथी के भी बेनिफिट्स आ गए। तो आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, मुझे याद कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and thank you for watching. This is Amishi Honawar signing off. और फिर लेके आऊँगी कुछ amazing kitchen. मेरा चैनल का नाम है Amishi Honawar and thank you for watching. Goodbye. Have a nice day. तो फ्रेंड्स, ये मेथी और राइस के जैसे मैंने डम्पलिंग्स बना लिए हैं बेसन और वो घोल डाल के, घोल अलग रखा है, बेसन राइस और मेथी डाल के उसमें मसाले डाल के ऐसे लड्डू टाइप बना लिए हैं। अब मेथी के इतने गुण हैं ना कि ये आयुर्वेद में भी बहुत बढ़िया माना जाता है, और मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताना चाहती हूँ। इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, बैलेंसेस ब्लड लिपिड लेवल्स, इट डिक्रीजेस द हार्ट प्रॉब्लम्स। इफ़ यू अप्लाई मेथी और यू ईट लॉट ऑफ मेथी, इट गिव्स यू लॉन्ग एंड लस्ट्रस हेयर, हेल्प्स टू ब्रेस्ट फीड द मदर्स, इट प्रिवेंट्स बॉवन प्रॉब्लम्स, कर्ब्स डायबिटीज़, it helps reduce blemishes and it protects people from kidney problems and it curbs fever. हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमीशी होनावर और मैंने आपको काफ़ी इंग्रेडिएंट्स और उसके सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आप बताने जा रही हूँ कि आज हम सीख क्या रहे हैं, वो कौन सी मैजिक रेसिपी है। वेल, मैंने आपको पहले रसिया मुठिया की रेसिपी बताई थी, ये थोड़ा सा सिमिलर है। इसको आप कह सकते हैं वेज राइस डम्पलिंग, ओके, और विथ मेथी लीव्स। यानी कि आपको मेथी लीव्स को लेना है, वॉश करके चॉप करना है और उसको बहुत बारीक काटना है। फिर आपका जो चावल पका हुआ है, चाहे वो रात का हो, सुबह का बना हुआ हो या आपका कुछ पड़ा हुआ हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मेथी ऐड कर दीजिए, उसमें बेसन ऐड कर दीजिए 2 बड़े चम्मच, और उसको अच्छे से बना मिक्स करके उसमें नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च, आपके पास चॉइस है, 2 में से कोई भी डाल सकते हैं, हींग, थोड़ा सा शक्कर, हाँ थोड़ी सी शक्कर अच्छी लगेगी, थोड़ा सा नींबू या तो थोड़ा सा खट्टा दही, हल्का, बिल्कुल कम, क्योंकि उसके लड्डू बनाने हैं, लाइक डम्पलिंग्स बनाने हैं। सो ऐड द राइस अलोंग विथ वॉश्ड एंड चॉप्ड मेथी लीव्स, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एंड देन ऐड सम बेसन, सॉल्ट, एसाफटीडा यानी कि हिंग, टर्मरिक पाउडर, रेड और ग्रीन चिली एंड धनिया जीरा पाउडर, एंड मेक डम्पलिंग्स आउट ऑफ इट। सो छोटे छोटे लड्डू बनाइए और साइड में रख दीजिए। और अब हम आपको रेसिपी बनाने की जो प्रिपरेशन है वो सिखाते हैं, जो आपको ये सब रेडी होने के बाद केवल 5 से 10 मिनट में आपकी रेसिपी, स्वादिष्ट रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किए। मेरा नाम अमीशी होनावर है और मेरा चैनल मेरे नाम पे है, अमीशी होनावर और अमीज़ किचन में आपका स्वागत है।